ये वीडियो मैं जो फेमस ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स हैं जैसे कि आसकार गुरु, गगन चौधरी और अपने हैं फैसल खान और मोटर ऑक्टेन, ये सब जितने भी फेमस यूट्यूबर्स हैं जो कि कार से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, नई नई कार्स दिखाते हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ और ये मेरी उनसे शिकायत भी है, एक पॉजिटिव शिकायत, क्योंकि मतलब दे आर फेमस, दे कैन डू इट। तो जो ट्रैफिक रूल्स के बारे में अवेयरनेस है उसको फैलाएं। गाड़ी तो आप हर महीने 6 साल दिखाते ही हैं नई वाली, ठीक है, लेकिन हमारा देश कैसे सुधरेगा, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप जिम्मेदारी लेने पूरी, और आपकी जिम्मेदारी है ये, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन एज अ गुड सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, एज अ गुड पर्सन, एज अ गुड ह्यूमन बींग, एज अ गुड ह्यूमन, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपके पास है तो उसका यूज़ करें और लोगों को एक सीरीज़ लाएं, एक स्पेशल सीरीज़ लाएं जिसमें आप कार्स के बारे में बताएं, कार के रूल्स के बारे में बताएं कि ट्रैफिक के रूल्स क्या होते हैं, जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, लाइट्स कैसे यूज़ करते हैं, हाई बीम लो बीम, ओवरटेक कैसे करते हैं, ओवरटेक कैसे करवाते हैं, ठीक है, और जो वेरियस सिंबल्स होते हैं उनका क्या मतलब होता है, क्या मतलब नहीं होता है, और कुछ रूल्स ऐसे भी हैं जो हमको लोगों को गलत मालूम है, हम सभी को, ठीक है, तो उनको सही तरीके से बताएं, क्योंकि आपको पता होगा अक्सर आप सुनते हैं कि एक एक्सीडेंट हो गया, दो एक्सीडेंट हो गए, मतलब एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं हमारे रोड्स पे, इंडिया में जो हमारे रोड्स हैं, अब तो अब गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे रोड बना लिए हैं, लेकिन फिर भी एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उन एक्सीडेंट्स को कैसे रोकना है, अपने हाईवेज को कैसे सेफ बनाना है, तो क्योंकि सिर्फ 5 स्टार कार की टेस्ट जो एनकैप रेटिंग होती है उससे हाईवे सेफ नहीं होते, उससे कार सेफ होती है, और हमें कार सेफ होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें होना है हाईवे सेफ हो, क्योंकि हाईवेज पे सिर्फ आप ही नहीं है, हाईवेज पे कुछ लोग बाइक पे भी चलते हैं, कुछ लोग पैदल भी चल रहे होते हैं, कुछ कुछ लोग छोटी गाड़ियों में होते हैं, कुछ लोग बड़ी गाड़ियों में होते हैं, तो ये हम सब लोगों का फर्ज बनता है कि हम लोग उस चीज़ को कंसिडर करें और एक अच्छे नागरिक होने के नाते ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो तब करेंगे जब हमें ट्रैफिक रूल्स पता होंगे, ट्रैफिक रूल्स तब पता होंगे जब हम ट्रैफिक रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता ही है कैसे हमारे लाइसेंसेस बनते हैं, हमारे लाइसेंस कैसे बनते हैं, ठीक है, आपको सब मालूम है कि हमने लाइसेंस कैसे बनवाए होते हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैंने तो बिल्कुल प्योर जो प्रक्रिया होती है टेस्ट दे के और ड्राइविंग करके सब कुछ करके वैसे ही बनवाया है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ कैसे बनवाते हैं लाइसेंस आपको मालूम है, तो जिम्मेदार कौन है इस चीज़ का जो लाइसेंस दे रहा है, जिसके अंडर में लाइसेंस हम सबको मिल रहा है वो भी जिम्मेदार है कहीं ना कहीं इसका। तो अब जिम्मेदारी छोड़िए, मेन मुद्दे की बात है अब चीज़ को इम्प्रूव कैसे करें, ठीक है, तो इम्प्रूव ऐसे करेंगे कि मैंने जो कहा है ये मतलब एक इनिशिएटिव है, ये हो सकता है एक एक आदमी रीज़न हो, एक मतलब इस तर, ये एक तरीका हो इम्प्रूव करने का, ठीक है। तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ सीधे हमारे जितने भी फेमस यूट्यूबर्स हैं और जितना भी इनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी, सब्सक्राइबर्स हैं बहुत सारे, तो इनकी मुझे लगता है एज अ अच्छा ह्यूमन बींग, क्योंकि सभी लोग बहुत अच्छे हैं, एक जिम्मेदारी बनती है कि अपने देश को सुधारें, ट्रैफिक रूल्स को बताएं ताकि सब लोग ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें और हम एक्सीडेंट्स को रिड्यूस कर सकें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि ज़्यादातर एक्सीडेंट आपने सुना होगा तब होता है बहुत छोटी छोटी गलतियों के, ऐसे गलतियों की वजह से एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, छोटी छोटी गलतियों की वजह से, तो हम सब लोग मिलके अपने रोड्स को सेफ और बेहतर बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। आप